Hi guys, it's me Rishi and welcome back to my YouTube channel. तो आज मैं आप सबके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ. जैसा कि आपको टाइटल पर के समझ ही आया होगा कि आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ अपने बेबी फ़ोटोज़ को और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट गेट स्टार्टेड. तो आपको जो पिक्चर्स है वो आपको यहाँ कहीं भी स्क्रीन में मिल जाएगी. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पिक्चर से. ओके, वाह क्या स्टाइल है, फ्रॉक पहन के चश्मा लगा के. हाँ ये जो पिक्चर है वो मैंने पार्क में खींचा था, मुझे याद है. और ये जो पिक्चर है इसमें भी मैंने ब्लैक ड्रेस ही पहना है और अभी भी मैंने ब्लैक ड्रेस ही पहना है. वाह व्हाट अ कोइंसिडेंस. नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं. नहीं नाइस. वाह ऑरेंज खा रही हूँ, इसका भी कोई पिक्चर खींचता है. नहीं तभी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा. ओके तो मैंने पापा के साथ फ़ोटो खींचा था. क्या स्माइल है, पोज है. वाह ब्रश करने का भी फ़ोटो, वो भी टोपी लगा के. आपने क्या आपने कभी देखा है किसी को टोपी लगाते हुए ब्रश करना? अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी. ये तो मम्मी के साथ फ़ोटो है. अच्छा है. वाह क्या सैल्यूट दिया है, देखो. सीरियसली माय गॉड, इतनी छोटी वो भी चश्मा लगा के साड़ी पहनना. यार कभी चश्मा लगा के फ्रॉक पहनती हो तो कभी चश्मा लगा के साड़ी पहनती हो. यार कुछ अलग ही स्टाइल है. वाह वेरी गुड. हाँ हाँ ये जो है ना सरस्वती पूजा का मेरा फर्स्ट सरस्वती पूजा था तो फिर मम्मी ने जो है ना वो रेडी करके दिया था मुझे. और मुझे ज़्यादा चलना भी मतलब मुझे चलना ही नहीं आता था उसमें, ज़्यादा कम किया मुझे चलना नहीं आता था. तो फिर वो से पता नहीं कैसे खड़ा कर दिया और फ़ोटो खींच दिया, वो भी चश्मा लगा के. वाह ओ ये मेरी फ्रेंड है, मुझे याद हो रहा है ज़्यादा कब था. कौन से फ्रेंड है यार, कौन सी फ्रेंड है, मैं तो भूल ही गई. नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं. ओके ये जो फोटो है ये मैंने क्रिसमस में ही खींचा था, ये तो सबको ही पता होगा, वो भी सेंटा के साथ. स्पेशल फील थी. अच्छा तो सेंटा के साथ मैंने फ़ोटो खींची थी और थोड़ा सा अगर जूम किया जाए तब पता चलेगा. सेंटा बोल रहा है कि अरे फ़ोटो खींचो यार, कैमरामैन देख रहा है, फ़ोटो खींचो स्माइल करो. लेकिन मैं सेंटा क्लॉस को कह रही थी नहीं, मुझे फ़ोटो से ज़्यादा गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट दे दो भाई, उसके बाद मुझे जो करना है मैं कर लूँगी. इसलिए मैं रेडी हो गई थी फ़ोटो खींचने के लिए. ये हम कहीं पे घूमने के लिए गए थे, मुझे जहाँ तक याद है हम लोग शिलोंग पे गए थे. और यार फ़ोटो देखो ना यार, इतनी ज़्यादा एनर्जी कि यार पूरा ही मतलब घूम के आएंगे आज एक दिन में ही. वैसे आज भी है ऐसा नहीं है. और वैसे आई लाइक ट्रैवलिंग. या के ये फ़ोटो मम्मी बोल रही है कि बेटा कैमरामैन देख रहा है फ़ोटो खिंचवा लो, लेकिन मुझे फ़ोटो नहीं खींचना था, मुझे तो सिर्फ मेरी नज़र सिर्फ चिप्स पे थी. यार जैसे तैसे चिप्स खा लो बस, चिप्स पे देख रही थी. के नेक्स्ट. हाँ ये वाले जो फ्रेंड है ना ये मुझे पक्का पता है, ये फ्रेंड है मेरी. हाँ उस फ्रेंड का नाम है टीना और ये इसका भाई है.
उसने भी चश्मा लगाया हुआ है, ठीक है? ओके ये सही है, अंधेरे में भी फोटो खिंचवा लो यार। अबे ओ दिवाली की भूल जा। ये मुझे पता है, मुझे कुछ चाहिए था लेकिन मम्मी जो है ना दे नहीं रही थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, इसलिए गुस्से में भी फोटो खिंचवा लिया। ये तो बर्थडे की फोटो है मेरी। अरे बाप रे, कहाँ छुप गई मैं, इसको पता भी नहीं चलेगा यार। अगर यहाँ पे मैं पूरी दिन पूरी रात अगर ऐसे छुप के रहूँगी किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई है भी। इतनी छोटी थी, किसी को दिखता ही नहीं, फूल की तरह। ये वाली जो फोटो है ना, ये आपको लग रही होगी कि मैं कहीं देख रही हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, इस फोटो में मैंने चुपके से चॉकलेट्स खा ली थी। ये भी मेरे बर्थडे की फ़ोटो ही है। तो ये जो फ़ोटो है, यहाँ पे मैं चुपके से चॉकलेट्स खा ली थी और मम्मी ने बोला था कि अभी नहीं खानी है, सब पहले आ जाए उसके बाद खा लेना। लेकिन नहीं, मुझे जो है, लेकिन मुझे चॉकलेट्स खानी थी, इसलिए मैंने चुपचाप चॉकलेट खा लिया। और तभी मम्मी आके बोली कि फ़ोटो खिंचवाना है, तो अब तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी वजह से मैंने मुँह को ऐसे बंद करके उस तरफ देख रही थी, मतलब कहीं चोरी पकड़ी ना जाए। यार सच्ची में यार, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? हाँ, ये पापा के साथ फोटो है मेरी। अरे यार फोटो में देखो तो यार, आपको कुछ दिखा? अगर आपको कुछ दिखा ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये वाले फ़ोटो में अगर आपको कुछ दिखा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है? ये मेरा फर्स्ट स्कूल था और मैंने क्या कहते हैं, ये जो आपको पीछे गाड़ी दिख रही है ना, सच बताओ, ये जो पीछे जो गाड़ी दिख रही है, हमारी गाड़ी है ही नहीं। सच में ये हमारी गाड़ी नहीं है, किसी और के गाड़ी में ऐसे फ़ोटो खिंचवा ली। हाँ ये फ़ोटो, ये तो हम पिकनिक मनाने के लिए गए थे। आपको तो पीछे, हाँ ये जो बस है ना पीछे वाली, ये सही है, ये हमारी बस थी। मतलब हम सब लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो हम सब गए थे एक फैमिली ग्रुप, मतलब जो भी होता है वो सब, तो पिकनिक मनाने के लिए हम लोग गए थे, तो उसी का फ़ोटो है। लेकिन इसका मुझे नहीं पता मैं वहाँ पे क्यों देख रही हूँ, लगता है कुछ अलग ही पोज होगा। हाँ ये है मेरा केवी का पिक्चर, ये मैं क्लास टू में पढ़ती थी, हाँ या फिर वन, अच्छा हाँ क्लास वन में पढ़ती थी मैं, हाँ हाँ क्लास वन में पढ़ती थी। और ये जो मैंने बॉटल ली है ना, ये मेरा न्यू बॉटल है, वो भी न्यू बॉटल के साथ मैंने पिक्चर खींची, वो हाँ न्यू बॉटल के साथ पिक्चर खींची। हाँ ये मम्मी के साथ फ़ोटो खींचा है, मम्मी ने बोला बेटा मैं तुम्हें बलून दूंगी लेकिन तुम मेरे साथ एक पिक्चर खींच लो। तो मैं रेडी हो गई कि चलो ठीक है, डील किया जाए, चलो कोई नहीं खींच ही लेते पिक्चर। ये फ़ोटो भी अच्छी है, ये मुझे अच्छी लगी। सीरियसली यार ये क्या यार, देखो मम्मी भी सपोर्ट कर रही है, उधर से आईना दिखा रही है, वाह, और मैं लगी पड़ी हूँ। हाँ ये मेरा फर्स्ट साइकिल है, ये मेरा फर्स्ट साइकिल है और इसके साथ भी मैंने पिक्चर खींच ली, क्यों ना खींच लिया जाए। और अभी भी मेरे पास साइकिल है, यू वोंट बिलीव कि मेरे घर में 5 साइकिल है। यस 5 साइकिल, यस 5, और इसको अगर काउंट करें तो 6, लेकिन ये इसका तो हालत ही, कबाड़ी वाले को ही दे दिया इसको। और लास्ट वाली जो पिक्चर, अरे यार ये क्या दुल्हन बना दिया यार मेरे को, ये क्या, पापा भी स्माइल करने लगे यार। एक बात बताना चाहती हूँ कि छोटे में भी जो मैंने पिक्चर्स खींचे थे ना, वो कुछ अलग स्टाइल में थे। चश्मा लगा के साड़ी पहनना, चश्मा लगा के फ्रॉक पहनना, वाह कुछ अलग स्टाइल है मेरा, वाह वेरी नाइस। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह।
और जो मुझे ज़्यादा पोज जो है ना वो बहुत अच्छे लगे बचपन के। और आप इन सारे पिक्चर्स में से आपका कौन सा पिक्चर ज़्यादा फेवरेट है आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना। तो यही था मेरा आज का वीडियो। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी ली है तो उसके लिए थैंक्स। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्रेस दी बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।